हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप पाठक हमेशा की तरह फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में प्रॉपर्टी 2020 देना। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी जो रहने वाली है 299 स्क्वायर यार्ड की। म्यूटेशन और रजिस्ट्री, ओल्ड चेन और बाकी जितने भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो अवेलेबल है। प्रॉपर्टी जेन्युइन है। देहरादून में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिसमें से 98% लोग फ्रॉडगिरी का काम कर रहे हैं। इधर की जमीन उधर दिखा के बेच दी, कहीं के खसरे कहीं करके बेच दिए, एक प्रॉपर्टी को दो तीन लोगों के साथ में सेल कर दिया या अग्रीमेंट कर लिया। तो मैं अपने चैनल पे मोस्टली उन्हीं प्रॉपर्टी को लेके आता हूँ जिनके पेपर्स क्लीन होते हैं, टाइटल क्लियर होते हैं और पेपर्स की गारंटी मैं खुद ही लेता हूँ आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बताते हुए। इसके बीच में मैं आपसे एक छोटा सा कमीशन चार्ज करता हूँ। अगर आप कोई आपको प्लॉट दिलवा रहा हूँ तो मैं 1% का कमीशन लेता हूँ, 1% कमीशन लेता हूँ पर पार्टी की तरफ से। लाइक आप अगर परचेस कर रहे हैं तो आप 1% देंगे और अगर लाइक मैं किसी ऑनर के साथ में आपकी डील कर रहा हूँ तो मैं उनसे भी 1% चार्जेस लेता हूँ। उसमें मेरा ऑफिस का रेंट, पेट्रोल खर्चा और मैं खुद भी, भाई मेरा भी घर है, मेरा भी पेट है, तो सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रहने वाली है, रेट यहाँ पर लगभग 24,000 रुपये गज के चल रहे हैं। इनकी डिमांड भी वही है पर जब हम बैठ के कहीं प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं, बात करते हैं तो रेट में एक नेगोशिएशन का पॉइंट आता है जो कि रहता है पेमेंट कंडीशन के ऊपर में। लाइक आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम में पेमेंट कर रहे हैं, आपका वे ऑफ पेमेंट क्या है, मोड क्या है, ठीक है जी। बहुत सारी बात होती है, बड़ी अमाउंट है। तो जो इसका साइज रहने वाला है प्रॉपर्टी का, इसका फ्रंट रहने वाला है 38.3 का नॉर्थ की साइड में 20 फीट रोड पर, 38.3 नॉर्थ में 20 फीट रोड पर 69.2 की इसकी लगभग डेप रहने वाली है। एक साइड से 69 है, दूसरी साइड से 68 है, तो वो एवरेज करके निकालेंगे हम तो 68 ही आने वाला है, 68.5 की, ठीक है जी। तो 299 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है। आप जब प्लॉट परचेस करेंगे तो उस पर एक बार उसको मापेंगे, उसको नापने के बाद में भी देखेंगे तो उतना ही निकलेगा वहाँ पे और जितना निकलेगा उतने के ही पैसे देंगे, ठीक है जी। प्राइस तो 23,000 पर स्क्वायर यार्ड की इसकी आस्किंग प्राइस है। अब एक बार लोकेशन की आपके साथ में बता देता हूँ आपको। आपको आना है देहरादून में चक्राता रोड की तरफ। चक्राता रोड से आपको सेलाकुई की तरफ में जाना है, पूरा आगे सेलाकुई की तरफ नहीं पहुंच जाना है। आपने आजकल सुना होगा कि काफी टाइम से एक प्रोजेक्ट आ रखा है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी इस वक्त देहरादून की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बोल रही है। इसकी इमारत बहुत ही भव्य इमारत है, भव्य मतलब बड़ी और खूबसूरत इमारत है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में एजुकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है और तो और इन्होंने एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सुविधा भी दी हुई है। एयर एम्बुलेंस में आपको क्या है कि कभी भी अगर नीड पड़ती है तो आप कहीं भी रेफर होते हैं तो वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी के पास से आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ स्कूल मिलेंगे और भी कॉलेज है यहाँ पे। आप जब रास्ते में जाएंगे आपको जी यूनिवर्सिटी मिलेगी और आपको तुला यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको शिवाली कॉलेज मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक पड़ता है चक्राता रोड से राजा वाला चौक पड़ता है। राजा वाला चौक पे आपने जो फेमस है देहरादून में राजा वाला चौक, वो है यहाँ की मार्बल्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारी शॉप मार्बल की है, थोक रेट से लेकर रिटेल यहाँ पे हर तरीके का काम होता है। तो मार्बल की काफ़ी सारी शॉप है तो आपको लैंडमार्क मिल जाएगा। मार्बल की शॉप के बगल से ही रास्ता टर्न होता है। ये रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर आप जाएंगे, 200 मीटर में फिर लेफ्ट में टर्न हो जाता है। मेन रोड से आप आए सीधा आने के बाद में आपको 200 मीटर बाद लेफ्ट साइड में टर्न होना है। फिर कदम नाप के आप 100 कदम चल लें तो आपको दोनों साइड में हॉस्टल बने हुए दिखेंगे। एक तो गर्ल्स हॉस्टल है, मैं यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल की एक लड़की से मिला था जब मैं इस एरिया में गया था वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैडम आप यहाँ पे रहते हो कौन से हॉस्टल में, तो वो जो पिंक कलर वाली बिल्डिंग है उसमें वो रहती हैं और ये सारा गर्ल्स हॉस्टल है। ये पढ़ती हैं इफ्का यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बैठता है। जब आप मेन रोड पर जाएंगे, राजा वाला चौक की तरफ जाएंगे, वहाँ से आपको जो रास्ता भाववाला की तरफ में टर्न होता है उस रास्ते पर जाना है। तो बहुत ही नाम मात्र का पैदल का ही रास्ता है और ये ना एक्चुअली में मेन रोड तो हम देखते ही देखते हैं, अंदर के भी काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, पतली गलियाँ होती है जहाँ से पैदल वाले लोग आते जाते रहते हैं। सो पॉइंट इज कि यहाँ पे इस हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं। सामने एक हॉस्टल बना है, अगल बगल में हॉस्टल बने, आप देख सकते हैं वीडियो में, अगल बगल में आपको सब जगह हॉस्टल दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे हमारे पास में जो प्लॉट आता है, अब चलते हैं उसमें। तो इस गर्ल्स हॉस्टल के एक बच्चे से मैंने बात की थी और उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या रेंट है, तो उन्होंने बताया इंक्लूडिंग फूड यहाँ पे 10,000 पर बेड का है और एक रूम में हमारे पास में मतलब दो बेड हैं, तो 20,000 पर रूम के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। सामने ये भी हॉस्टल बन रहा है, ये रोड आ गई सीधी और यहाँ पीछे में एक और एक दो दो हॉस्टल यहाँ है। तो हम लोग मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर इकफा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं इस वाले हॉस्टल में मोस्टली, और इसमें भी अभी तो ये बन के कम्प्लीट हुआ है तो मैंने यहाँ पे बात नहीं करी है, पर ऑफ कोर्स ये जब पूरा फुल है तो उसके बाद इसका चांस है। और मेन रोड के पास में भी एक हॉस्टल है। प्लॉट रहने वाला है ये, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है, 20 फीट रोड है फ्रंट पे, जहाँ पर ये बाउंड्री स्टार्ट होती है यहाँ से प्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। 38.8 फीट का इसका फ्रंट रहेगा और 68 फीट की इसकी गहराई रहेगी। ये टोटल प्लॉट 300 गज 299 गज के आसपास आता है नॉर्थ वेस्ट फेसिंग का 20 फीट रोड पर। प्लॉट के बगल में भी एक प्लॉट है, पीछे हॉस्टल बना है और इस साइड में भी एक प्लॉट है, सामने रोड है। तो प्लॉट के आगे पीछे किसी प्रकार का कोई खड्डा खाला नाला नहीं है। प्लॉट के सामने जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल है वो दूसरी साइड में है रोड के दूसरी तरफ में। इस तरफ से भी एक बार दिखा देता हूँ, जो आपको गहराई मिलने वाली है वो 68 फीट की गहराई मिलने वाली है और 38 ये पीछे से भी है। मतलब प्लॉट जो है कहीं से शेरमुखी या गौमुखी नहीं बन रहा है, जो भी डायमेंशंस है वो एक्यूरेट है, तो इस हिसाब से प्लॉट आपका रेक्टेंगल शेप में आता है। जो हमारा ये प्लॉट रहने वाला है 299 मतलब 300 गज के करीब, इसकी जो टोटल वैल्यू बैठेगी पेमेंट आस्किंग में ये 68,77,000 जाती है। यहाँ पे आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको लाइक एक मीटिंग करनी पड़ती है, पार्टी से बात करनी पड़ती है, हम किसको प्लॉट बेच रहे हैं, किससे प्लॉट ले रहे हैं, क्या ड्यूरेशन है रजिस्ट्री की, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फ़ोन पे जो नेगोशिएशन वाली बात होती है प्लीज़ वो सब नहीं किया करा करो आप कि हाँ भाई अभी फाइनल करो मैं पैसे भेज रहा हूँ, ऐसी कोई आफत नहीं है पैसों की, पैसे आराम से आते रहेंगे। आपने प्रॉपर्टी लेनी है, आप भिंडी खरीदने नहीं निकले हो जो कि 1 किलो ही बची है मार्केट में, बहुत सारी बची है। रेट्स की बात तब होगी जब आप आके बैठते हैं कहीं पे, आप डिस्कस करते हैं किसी मैटर को। तो अब बात आती है प्रॉपर्टी के पोटेंशियल की, प्रॉपर्टी के रेट कहाँ तक जा सकते हैं। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि जैसे ही ये ग्राफिक एरा हॉस्पिटल पूरा बनकर तैयार हो जाता है और जो हमारा चंडीगढ़ देहरादून एक्सप्रेसवे है वो बन के रेडी हो जाता है, तो यहाँ पर हम रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30,000 पर स्क्वायर यार्ड आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर। 30+ ही जाने वाले हैं, 30 से कम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि मेन रोड के बहुत पास का सौदा है, आसपास में अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है, तो इस वजह से यहाँ पर निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना या रेंटल पर्पज से इस प्रॉपर्टी को खरीदना काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। तो इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलती रहेगी, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट।